नबी दाऊद अलैहि सलाम की कहिंदे ने आंदे ने मैनू पैदा करन वाली जात दी कसम है जिदे हा कब्जे दे अंदर नबी दाऊद दी जान है। जिनी तस्बीह ते हमद इस डड्डू ने अल्लाह दी बयान कीती है नबी दाऊद बयान कर ही नहीं सकदा। एक होर वाकया सुन लो, नबी मूसा अलैहि सलाम ना अल्लाह दे लाडले नबी सन, तो कह लगे अल्लाह रोटी चाहिए, फरमाया तेरे हाथ की है हिस्सा है, फरमाया पत्थर दे मारो, मारिया फिर पत्थर फिर पत्थर फिर पत्थर, सत्तवें पत्थर दे पेड़ च कीड़ा जिदे मुँह च ताज़ा सबज पत्ता है। साड़ी दे दुकान की सेल घट हो जाए ना, अं तवीत वाले को नसे जाने आ तवीत दही वह भी अगो रेट है, 5000 वाला लैना जी, 10000 वाला लैना जी, क्यों जी आई साहब भी 10000 वाला कि 5000? कहता जरा चंगा हो ही देता, दो लाई जा 5000 दे, एक पखे ना बनी जू पखा फिरेगा तेरा दिमाग भी फिरेगा, तो अगे भार थले रख छी जू जू भार पेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बोल साडा या जा के धागे ते मान धागा बनया कहदे वास्ते, ये जी सखी सरवर का धागा इस वास्ते बनया, एक बनया की हुंदा जी बंदे को बीमारी नहीं आउंदी, बंदे नूं ऐसरा हुंदा, धागे ते ही भी पूरा मान है। किसी ने छला पाया, छला पा लो बवासीर बंद, मैं एक नूं पुछया तू इन्ने फड़े ने तेरी कोई चीज़ बंद नहीं हुई, लमी या भोजन हो, कड़ा पा लो पीर दे नां दा हर चीज़ बंद, हर चीज़ मिल जाएगी, छला जेब च रखो पैसे नहीं मुकणगे। बड़िया अजीब अजीब कहानियां ने, गड्डी दे अगे लित्र बने आ, क्यों जी गड्डी नज़र नहीं लगती, मैं क्या तू वेच बहना तू लित्रा दा हार पा के बह, पिछले पासे कालियां टाकियां बनिया ने, नज़र मैं गड्डी दे उत्ते को वार नहीं करदा, मैं क्या तू वेच बहना काले टाकियां गल च भी पा के बह, तिरते भी वार ना करे, चंगा भला मकान बनाया करोड़ा रुपये लाए ने, उत्ते जाके काली हांडी मूंदी मार देंदा, ये क्यों मारी आए उत्तों बला नहीं आउंदी। मैं क्या जिन्ने घर अफराद च जीओ जिन्ने भी हो सारे एक एक हांडी अपने सिर दे उत्ते मूंदी मार लवो, ना ना मेरे दोस्ता आई ये शिफा देन वाली कायनात दे अंदर, रिजक देन वाली औलाद देन वाली कायनात दे अंदर, बीमारियां तो शिफा देन वाली कौन जात है, ना कोई कबर है ना कोई शजर है, ना कोई धागा है ना कोई गजरा है ना कोई मुंदरी ना कोई छल है, बल्कि फल या तवक्कल अल्लाह। कौन है? अल्लाह दी जात है। आइए जरा गौर कीजिए, नबी मूसा वेख्या ताज़ा पत्ता, फिर मैं मूसा परेशान ना हो इस कीड़े दे मुँह ना कन लाए आंदा की है पिया, ते कीड़ा कह रहा सुबहान मैया रानी वयस्मऊ कलामी वयरज़ुकुनी वला यनसानी। अल्लाह मूसा पा के औसाद जिहड़ी सत्तवें अरश तो सत्तवें पत्थर दे पेड़ च मैनू डायरैक्ट पई वेंदी है, पा के औसाद जिहड़ी सत्तवें अरश ते मेरी कलाम पई सुनदी है, पा के औसाद जिहड़ी रोज़ाना ताज़ा रिज़क देंदी है मैनू भुलदी भी नहीं। अल्लाहू अकबर। फिर हदीस सुनिए, हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस के रावी ने, आका फरमाते ने सुबह परिंदे नहीं उड़ते अपने घोंसलिया, उड़ते ने कि नहीं, खाली पोटा लैके उड़ते ने, इन्हों परिंदा के कोई कारखाने नहीं कि छापर बनाते हैं, या किसी दफ्तर च मुलाजम ने, या कोई सूत्र बनाते ने, या कोई धागा बनाते ने, नहीं सुबह परिंदे उड़ते ने, शाम पैंदी है पोटा भर के अपने घोंसलिया च वापस आ जाते हैं। आका फरमाते ने अगर इंसानियत का भरोसा भी अल्लाह ते हो जाए, रब किसी इंसान नूं भुखा ना मरन दे। भरोसा अल्लाह ते करना किड्डा वड्डा अमल है, पता जी 70000 बंदे बगैर हिसाब तो क्यामत नूं जन्नत च जाने ने। सहाबा कहन लगे अल्लाह रसूल उन्हां दा अमल की है, फरमाया उन्हां दा भरोसा किसे दमा तवीज़ा वाले काहिन जादूगर ते नहीं होएगा। वाला रब्बे हिम यतवक्कलून,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਏ ਵਾਬੇ ਹਮਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਬੇ ਹਮਦੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਬੇ ਹਮਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਬੇ ਹਮਦੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਮਦ ਹੈ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂ, ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ ਨਾ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਐਸਰਾ ਕਰਕੇ ਮਸੇ ਨਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਆਇਆ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਸ ਚੜਿਆ ਸਾਂਸ ਫੁੱਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੀ ਅੱਲਾ ਹੁਲੀ ਮਨ ਹਮੀਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਰੱਬਨਾ ਵਲਕਲ ਹਮਦ ਹਮਦਨ ਕਸੀਰਨ ਤਈਬਨ ਮੁਬਾਰਕਨ ਫੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੋ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਸਾਂਸ ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਹਾਬੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਡਾਂਟਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਆਬੀ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 39 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਹਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬਨਾ ਵਲਕ ਅਲਹਮਦ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬਕਤ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ 39 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਪੂਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮਸਾਜਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਦੁਆ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਹਲੀ ਹਦੀਸ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬੋਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ 39 ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਤਾਸੁਬ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਕ ਮੇਰਾ ਮਨਹਜ ਮੇਰੇ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾ ਛੜਿਆ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਜਿਬਰੀਲ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਫਲਕ ਸੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਮਸਲਕ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੀਏ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰੀ ਤਕਬੀਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ 625 ਹਦੀਸ ਰਫੁਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਜਰਾਬਾਂ 'ਤੇ ਮਸਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਮੀਨਾ ਅਰਫਾਤ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਸੱਲ ਰਕਾਤੈਨ ਫਿਲ ਮੀਨਾ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਅਰਫਾਤ
दो दो रखता पढ़निया ने दुकाना पढ़ना है अरफात च भी जोर असर जी है दो दो लेकिन साढ़े हनफी भाई जड़े ने उत्थे पूरी पढ़ते हैं क्योंकि नाल में रवाज कसम खाधी हाँ नबी की गल को नहीं मननी बोल दे हाँ जी हाँ जुमा भी पूरा मैं गल करना चाहना कि कसम खाधी है कई नबी की बात नहीं मननी मैं अगले दिन ना फैजुल बारी बढ़ा पाया बुखारी की शरह मौलाना अनवर शाह काश्मीरी देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम आंदे ने पूरी जिंदगी मैं एक वितर वाली हदीस का रद्द करन ते ला दी एक वितर वाली हदीस का रद्द नहीं होया जरा गौर करो तो हज़रत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पूरी जिंदगी एक वितर पढ़िया हज़रत उस्मान ने एक वितर पढ़िया अबू मूसा अशरी ने एक वितर पढ़िया अबू अयूब अंसारी ने एक वितर पढ़िया जाओ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उठाइए मैं किन्ने कु सहाबा पचा तो उत्ते सहाबा ने जिहड़े पूरी जिंदगी एक वितर पढ़ते रहे ने वितर दा माना ही कल्ला अल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा अल्लाह खुद भी वितर है वितर नु पसंद करता है अगर तू तीन पढ़ना वितर एक ही है दो नफल ने पांच पढ़ना चार नफल ने वितर एक ही है वितर दा माना ही कल्ला नबी अलैहि सलाम ने सच फरमाया सी एक वक्त आएगा हदीस से अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा मैं केड़ी केड़ी बात बयान करा जुमे का दिन होए फैसलाबाद की मसाजिद च जाओ केड़ी मस्जिद है जिथे पहली रकत च सूरा सजदा और दूसरी सूरा दाहर पढ़ी जाती है वह भी मसाजिद नज़र आउणगियां ते मेरे मसलक दियां नज़र आउणगियां जाओ जुमे की नमाज होए पहली रकत च सब्बी इस्मा रब्बी कल आला दूजी चल अदा का हदीसुल गाशिया ये दोवें सूरत अगर पढ़ेगा मेरा खतीब पढ़ेगा मेरा इमाम पढ़ेगा मेरा कारी पढ़ेगा तेरी मसाजिद च इस हदीस से भी अमल नहीं जुमे रात का दिन होए मगरब की नमाज होए वह कि मस्जिद है जिंकी पहली रकत च कुल या अय्युहल अलका फिरून पढ़ी जाती है दूसरी कुल हो अल्लाह भी मेरी मस्जिद है नबी अली सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा हदीस से अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा जिमें अग का अंगारा तली ते रखना मुश्किल है जिहड़ा उस वक्त च हदीस से अमल करेगा ना अल्लाह उस बंदे नू मेरे पंजा सहाबा के अमल के बराबर सवाब अता करेगा पूरे रूए जमीन का चक्कर लगाइए एक हदीस लाइए जिदी सनद नबी पाक तक पहुंचती होए ऐने हदीस उस हदीस से अमल ना करता होए रब्बे किबरिया की कसम एक हदीस पेश करो एक हदीस दे विच एक लख रुपया मैं जाती जेब चो इनाम देंगा आओ तो सही मसल कहले हदीस के बारे च बकवास ना करया करो मैं बात कर रहा अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह आइए मैं अगला कलमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब दा माना की है पालन वाला रिजक अता करन वाला जिथे जिथे मखलूक वस रही है ना उदी जगह दे उत्ते उदी तबा दे मुताबक देन वाले नू अरबी च रब आंदे ने इंसान ते हैवान उदा खा के पल दे हवावां च ने उड़ दे जमीन ते ने चल दे पानियां दे विच मखलूक वसदी बिना हत्था पैरा मच्छी तेज नसदी कछू डड्डू केकड़े भी नहरी वसदे पानी विच खेल दे ते पैरी नसदे पानी दे वसिंदे वखो वख शकलां गिनती तो बार दंग रहन अकला गोहा सप सानिया जमीन लभ लई खुडा च रिहाशी तस्कीन लभ लई खुडा च कमांदे कितों खांदे पींदे ने अल्लाह जाने किदा सुखा नाल जींदे ने सुनो एक होर भी मिसाल सोणियो दसा अल्लाह पाक दा कमाल सोणियो लकड़ां च घुन ते सयूंग पलदी केड़ी जात उत्थे दाणा पानी कलदी मास खाने शेर बगयाड़ फिरदे बेशमार बारले ने वग छेड़दे हाथी रिछ बंदर अवारा वेख लाओ किवें हुंदा इन्हां दा गुजारा वेख लाओ लूमड़ा ते सेया नहीं जे पाइया कोठियां ओ भी ने त खांदे यारो राज रोटियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कौन देण वाला है